माने पातों से, जो 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 माने पातों से, श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। जो ना माने बातों से वो मानेगा लातों से। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की ठोको नीति और बुलडोजर बाबा की सरकार का यही हाल हो चुका है। जहां पर गरीबों पर बुलडोजर चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो योगी सरकार को खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं। जी हाँ, तथा कथित भाजपाई गुंडों ने मुसलमानों के साथ गुंडई की है, उसके साथ ही पुलिस प्रशासन को किस तरीके से चैलेंज किया है वो हम आपको दिखाएंगे। किस तरीके से थाने में घुसकर पुलिस वालों के साथ क्या कुछ हुआ है वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश की मेरठ सीरीज का एक नया वीडियो सामने आया है, वो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं वो कितने बेकाबू हो चुके हैं। इसकी शुरुआत कहां से हुई थी हम आपको पहले भी बता चुके हैं, फिर से बता देते हैं कि मेरठ में राशिद नाम की एक युवक की बिरयानी पलट दी जाती है, वेज बिरयानी पलट दी जाती है मांस की आशंका में। उसके बाद क्या होता है, FIR दर्ज होती है, और FIR के बाद क्या होती है, कार्रवाई। और कैसी कार्रवाई हो रही है वो आप वीडियो में देख लीजिए, फिर आगे की चर्चा करते हैं। जय श्री राम, वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। जो न माने बातों से, 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 जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जो काले कपड़े में दिखाई दे रहे हैं वो सचिन खटिक हैं, जो कि पूर्व विधायक, बीजेपी पूर्व विधायक संगीत सोम की सेना के जिला अध्यक्ष हैं। क्या कर रहे हैं, मीट की दुकानों को बंद करने के लिए किस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं, किस तरीके से खुलेआम पुलिस प्रशासन को चैलेंज कर रहे हैं, और ये हो रहा है उस उत्तर प्रदेश में जहां पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर योगी सरकार बड़े बड़े दावे करती है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस मान मनौवल कर रही है, उनको मना रही है जेल ले जाने के लिए। ऐसा लग रहा है कि मानो कार्रवाई नहीं हो रही है, तो उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है। जो तथाकथित अपराधी है उनका स्वागत सत्कार हो रहा है पुलिस स्टेशन में, और पुलिस स्टेशन में भी घुस कर ये जनाब नहीं रुकते हैं। किस तरीके से वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं आप देख सकते हैं, जैसे कि आजादी की जंग छेड़ दी हो, आजादी की लड़ाई पर निकले हों ये लोग। इस तरीके से उत्तर प्रदेश का माहौल कितना खराब हो चुका है आप समझ सकते हैं इन वीडियोस के जरिए। पुलिस खड़ी हुई है, हाथ पर हाथ धरे देखती रहती है, कुछ नहीं कर पाती है, और कार्रवाई क्या करती है, एक और वीडियो आप देख लीजिए किस तरीके से कार्रवाई कर रही है पुलिसिया। कार्रवाई किस तरीके से हो रही है राम राज में आप देख लीजिए वीडियो में। चलो भाई तुम जाओ, नहीं नहीं हम चलेंगे, कहाँ जाएंगे, हमें बंद करियो। तो देखा आपने, आगे आगे सचिन खटिक और उनके समर्थक चल रहे हैं, तथा कथित गुंडे चल रहे हैं उनके पीछे, पुलिस उनका पीछा कर रही है। किस तरीके से नाकाम है, लाचार है बेचारी, आप देख सकते हैं वीडियो के जरिए, आप समझ सकते हैं। बता दें कि ये पुलिस वो है जहां पर योगी सरकार ये दावा करती है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये दावा करते हैं कि जो अपराधी हैं वो जो गुंडे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा,
उन पर बुलडोजर चलेगा। उस उत्तर प्रदेश के मेरठ का ये हाल हो चुका है। पुलिस वालों के सामने लगातार नारे लगाए जाते हैं कि मीट की दुकानें बंद करो, जो ना माने बातों से वो मानेगा लातों से। और इसी के साथ साथ पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के भी नारे लगाए जाते हैं, लेकिन पुलिस बेचारी कुछ नहीं कर सकती है। अगर ये उलट तस्वीर होती तो क्या होता, आप समझ सकते हैं किस तरीके से समर्थन दिया जा रहा है, किस तरीके से पनाह दी जा रही है अपराधियों को। इस वीडियो के जरिए आप समझ सकते हैं, जो पुलिस खुद ये दावा करती है कि वो उनके साथ है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती है, वो पुलिस कैसे कार्रवाई कर सकती है। ये वीडियो मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, फिर से एक बार देख लीजिए कि किस तरीके से पुलिस वाले जो खुद दावा कर रहे हैं कि वो उन्हीं में से एक है, वो कैसे से भेदभाव रहित कार्रवाई कर सकते हैं। वीडियो देखिए, फिर आगे की चर्चा करते हैं। तैयार है ये मेरा भाई, हिंदू आदमी हूँ मैं, सचिन सचिन स्थिति को समझो, जो क्षेत्र हिंदू हृदय सम्राट का है उसके काल में पुष्प बनेंगे, जो छवि को खराब करने का उसका नहीं बिक रहा है, बिक रहा है मत अब आ जाना। हमें मैं वीडियो दिखाता हूं, मैं वो दाल नहीं थी, वो बिरयानी थी, बिरयानी में मांस था, बिल्कुल मांस नहीं था। क्या हाथ कर रहे हैं आप, क्या लग रहे हैं, मैं तो करने पड़े लमने साफ साफ। 100 बार धर्म से बड़ी कोई चीज नहीं, 100 बार गिरफ्तार, 100 बार फांसी, कोई दिक्कत नहीं है। मीट की दुकानें खुलेंगी सारी सरकारा में, फायदा क्या यार। देखा आपने, तो क्या इन पुलिस वालों से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की जा सकती है, निष्पक्ष कार्रवाई की उम्मीद लगाई जा सकती है? क्या ये निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे जो पुलिस वाले खुद अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मां को गाली देते हैं और कहते हैं मैं खुद कट्टर हूं, वो पुलिस वाले क्या खाक कार्रवाई करेंगे? कायदे से तो जो ये वर्दी धारक है इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जहां अपराधियों तक पे कार्रवाई नहीं आ रही है वहां पुलिस पर तो छोड़ ही दीजिए। उत्तर प्रदेश जो कि रामराज का दावा करता है, क्या यही रामराज है? ये रामराज की तस्वीरें हैं। इस तरीके का हाल हो चुका है उत्तर प्रदेश में, मेरठ में किस तरीके से बेकाबू हो चुके हैं तथाकथित भाजपाई गुंडे आप देख सकते हैं, और किस तरीके से लगातार नवरात्रि जब से शुरू हुए हैं हालात बिगाड़ने, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है आप समझ सकते हैं। जहां दावा किया जाता है कि अपराधियों पर बुलडोजर चलेगा, जो अपराधी हैं वो दूरबीन से नहीं दिखाई देते हैं, वहां अपराधियों पर नहीं बल्कि गरीबों पर बुलडोजर चल रहा है। एक और वीडियो आपको दिखाती हूं कि किस तरीके से बेखौफ अपराधियों के जो हौसले हैं वो बुलंद हैं, लेकिन गरीब आदमी बेचारा अपना ठेला बचाने के लिए बुलडोजर के सामने लेटने को मजबूर है। वीडियो देखिए। तो देखा आपने, ये वीडियो भी उत्तर प्रदेश का है, उसी उत्तर प्रदेश के मेरठ की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, उसी उत्तर प्रदेश के नोएडा की तस्वीरें ये हैं, जहां पर एक गरीब का ठेला पुलिस प्रशासन की आंखों में खटक जाता है, लेकिन जहां पर लोग पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे खुले आम लगाते हैं, लगातार कहते हैं कि जो ना माने बातों से वो मानेगा लातों से, इस तरीके के नारे लगाते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उनको खुली छूट है। बता दें कि ये जो वीडियो है जो नोएडा का है, जिसमें गरीब पर बुलडोजर चल रहा है, ये न्यूज़ 24 की खबर में लिखा है इसमें कि अपने ठेले को बचाने के लिए बुलडोजर के नीचे लेट गया गरीब दुकानदार, फिर भी चलता रहा बुलडोजर, ग्रेटर नोएडा के परी चौक का मामला।
दो तस्वीरें हैं, दो तस्वीरों के जरिए आप राम राज का जो खोखला दावा किया जाता है उसका नजीर पेश करती हैं, उसका हाल समझ सकते हैं। देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश में राम राज आ चुका है, जहां विश्व गुरु बनाने की तर्ज पर इस तरीके से काम किया जा रहा है। जो पुलिस प्रशासन संविधान की शपथ लेता है वो किस तरीके से काम कर रहा है, भेदभावपूर्ण कार्रवाई हो रही है, इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। लगातार ऐसी खबरें सामने रही है कि जहां पर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं, भगवाधारी किस तरीके से काम कर रहे हैं आपको हम लगातार बता रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी तरीके का कोई स्टेटमेंट योगी सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से नहीं आया है। ये हाल है उत्तर प्रदेश का, जहां पर नई नवेली सरकार ने, योगी सरकार ने शपथ ली है। तो क्या जो जिन दावों के साथ सरकार बनाई गई है, राम राज का दावा किया गया था, यही कल्पना थी राम राज की? इस सवाल के जवाब में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इसके साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।